थे आपका इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2019 के पार्ट दो में, जिसमें हम फीचर कर रहे हैं डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। और अगर आपने किसी वजह से पार्ट वन अभी तक नहीं देखा है, जिसमें हमने फीचर किया था फॉरेन पार्टिसिपेंट्स, तो यहाँ पर इस लिंक को क्लिक करके आप पार्ट वन भी देख सकते हैं। और आपको मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि ट्रेड फेयर की टिकट आपको सिर्फ bookmyshow.com से मिल सकती है या फिर मेट्रो स्टेशन से मिल सकती है। 14 से 18 नवम्बर तक इसकी टिकट है 500 रुपए की, और 19 से 27 नवम्बर तक इसकी टिकट है एडल्ट्स के लिए 60 रुपए और बच्चों के लिए 40 रुपए। तो चलिए फिलहाल शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की और देखते हैं डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स यानी कि इंडियन स्टेट्स में क्या क्या है ट्रेड फेयर प्रगति मैदान में। अगर आप आते हैं हॉल नंबर 11 में, यहाँ पे काफ़ी जो चीज़ें हैं जनरली आपके हाउस होल्ड की हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, जो भी आपके घर में सामान जैसे कि कपड़े हैं या किचन वेयर हैं या वो सब भी आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर जैसे कि शूज, एपरल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंसेस, होम डेकोर, होम फर्निशिंग वगैरह वगैरह, तो आपको आना होगा हॉल नंबर 11 में, जहाँ पे काफ़ी वेराइटी में ये सब आइटम्स मौजूद हैं। अगर आप क्रॉक्स के अंदर भी इंटरेस्टेड हो तो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स में क्रॉक्स हैं, विच इज सेट इन हॉल नंबर 11। और मैंने कुछ जो क्रॉक्स की अपनी चप्पल्स ली थी, कुछ फुटवेयर्स लिए थे जो 2000 की थी, वो यहाँ पे 1400 की है, सो दैट मीन्स डिस्काउंट काफ़ी जेन्युइन है यहाँ पे, तो आप चाहें तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। जी बिल्कुल, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मेक श्योर करें कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में मिलते हुए डिस्काउंट्स को आप लोग जरूर अवेल करें। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स में अच्छे डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि क्रॉक्स और वुडलैंड। वुडलैंड में कुछ आइटम्स पे थी 50% ऑफ की सेल, बट अगेन मेक श्योर करें कि आप देख लें कि वो जेन्युइन प्रोडक्ट। और अब अगर बात हो रही है जेन्युइनिटी की, तो अगर आपको जेन्युइन लेदर में इंटरेस्ट हो तो आप HS एक्सपोर्ट से भी यहाँ से लेदर आइटम्स ले सकते हैं, विच इज हाईली रिकमेंडेड। तो हॉल नंबर 11 में चाहे ये केरला के मिलने वाले मसाले हों या फिर इन मसालों को और अनाज को पीसने वाली ये मशीन्स, यहाँ पर काफ़ी सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अवेलेबल हैं। और अगर आप कुछ सस्ते में चाहते हैं तो यहाँ पे सस्ते में भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप इस तरह की LED लाइट्स चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, जो कि तकरीबन 100 से 200 रुपये के आसपास हैं। तो मेक श्योर करें अगर आपको अपने हाउस होल्ड नीड के लिए कुछ भी आइटम चाहिए तो आप हॉल नंबर 11 में जा सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मूव करते हैं हॉल नंबर 12 की तरफ, जो कि है इंडियन स्टेट्स, और देखते हैं इंडियन स्टेट्स में क्या क्या है। तो चलिए अब मूव करते हैं स्टेट्स की तरफ और आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे स्टेट्स में क्या क्या चीजें हैं। पर मैंने उन्हीं स्टेट्स को आपके लिए कवर किया जो मुझे थोड़े ज्यादा अच्छे लगे, जैसे कि था ये झारखंड। अगर आप झारखंड में आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलती हैं कुछ नेचुरल फूड आइटम्स जैसे कि हनी, शरबत, जैम्स वगैरह वगैरह। और भी यहाँ पर काफी अच्छे आइटम्स हैं जैसे कि हैंडलूम्स और क्लोथ्स, कारपेट्स, तो इस तरह से काफी कुछ यहाँ पे है। अगर आप आके देखना चाहें तो झारखंड एक अच्छी रिकमेंडेड, एक डिसेंट रिकमेंडेड ऑप्शन है आपके लिए।
चूंकि इस बार बिहार को कम एरिया दिया गया था इसलिए वहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ अवेलेबल नहीं था, बट फिर भी आप अगर चाहें तो यहाँ की बनी हुई चूड़ियाँ या कुछ इस तरह से आर्ट एंड क्राफ्ट आप ले सकते हैं। सेकेंड जगह है असम। असम में इस बार काफी कुछ था, जैसे कि बनाए हुए यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट जो कि बैम्बू के हमेशा यहाँ का एक सिग्नेचर आइटम्स रहते हैं वो यहाँ पे काफी अवेलेबल थे। चाय अगर आपको असम की चाहिए वो भी यहाँ पर अवेलेबल थी और साइड बाय साइड असम में अवेलेबल थे यहाँ के बने हुए पिकल्स, यहाँ की बनाई हुई जैम्स, यहाँ की बनाई हुई स्क्वैश वगैरह वगैरह। तो मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अगर आप चाय के शौकीन हैं मेक श्योर करें कि असम की चाय आप जरूर लें, और अगर आप पिकल्स के शौकीन हैं तो पिकल्स भी यहाँ से जरूर लें। तो अगर आप वेस्ट बंगाल पेविलियन में आते हैं तो इस पर आपको ज्यादा जोर देखने को मिलेगा यहाँ की टेक्सटाइल्स पर। तो अगर आप बंगाली साड़ीज खरीदना चाहते हैं या यहाँ के थोड़े हैंडलूम से टेक्सटाइल खरीदना चाहते हैं, देन यू आर मोर देन वेलकम एट वेस्ट बंगाल पेविलियन। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जो शुरू से ही इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में काफी इंटरेस्ट जगाता रहता है। इस बार भी यहाँ पर इसे काफी स्पेस दिया गया है और यहाँ पर एज यूजुअल मोजड़ीज हों या फिर यहाँ पर मिलने वाले पिकल्स हों या फिर यहाँ पर मिलने वाली आर्टिफिशियल ज्वेलरीज हों वगैरह वगैरह, इस तरह की काफी इंटरेस्टिंग चीजें भी आप यहाँ से ले सकते हैं, चाहे बेडशीट्स हों या फिर यहाँ पे खाने पीने का सामान। सो मेक श्योर करें जब भी राजस्थान में आए थोड़ा टाइम आप यहाँ पे ज्यादा स्पेंड करें क्योंकि यहाँ पर आपके लिए काफी कुछ है। और इस बार राजस्थान में राजस्थानी साड़ीज और ड्रेसेस भी अवेलेबल हैं, तो अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हो ये भी आप ले सकते हैं, और साइड बाय साइड अगर आप राजस्थानी आर्ट पीसेस में भी इंटरेस्टेड हैं तो वो भी यहाँ पर काफी अवेलेबल हैं। आप चाहें तो आर्ट पीसेस भी ले सकते हैं या होम डेकोर का सामान भी ले सकते हैं। और इस बार यहाँ अवेलेबल थी राजस्थानी इमिटेशन ज्वेलरी, तो अगर आप इसमें भी इंटरेस्टेड हो तो आप ले सकते हैं, जिसकी रेंज यहाँ पर शुरू होती है 150 से लेके जैसे कि ये इयररिंग्स और जाती है इस तरह के जो नेकलेसेस हैं जो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ, जैसे कि ये इस तरह के नेकलेसेस की रेंज यहाँ पर जाती है तकरीबन 1000 तक। अब आप बार्गेनिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं और अलग अलग तरह की ज्वेलरी का मजा भी आप यहाँ से उठा सकते हैं। राजस्थान के पेविलियन में एक और चीज जो सबसे ज्यादा पसंद और खरीदी जाती है वो है यहाँ पे मिलने वाले राजस्थानी क्विल्ट्स। तो इस बार भी ये क्विल्ट्स अवेलेबल हैं जो कि सिंगल क्विल्ट अवेलेबल है इन अप्रोक्सीमेटली 1500 और डबल साइज की क्विल्ट अवेलेबल है इन अप्रोक्सीमेटली 2000 to 2500। तो दिल्ली हाट में मुझे राजेंद्र जी मिले थे और यहाँ पर भी राजेंद्र जी हैं, आपने वो एपिसोड काफ़ी पसंद किया था। यहाँ पर भी अगर आप राजेंद्र जी से कुछ खरीदना चाहें, कम ओवर है राजेंद्र जी, स्टॉल नंबर क्या है हमारा? स्टॉल नंबर है मैडम जी हमारा 29 पे आप आ जाइए और यहाँ पर भी आप इनकी वही जो एक जो क्लासिक ज्वेलरी है आप ले सकते हैं। और हम लोग जयपुर भी हम लोग पहुँच रहे हैं, तो जयपुर ब्लॉक के अंदर भी मैं राजेश जी के पास आऊँगा, कुछ आपकी रिक्वेस्ट हो या आपके कुछ सजेशन हो तो मुझे ज़रूर आप दीजिएगा। तो भाई अब इतनी शॉपिंग करने के बाद थोड़ा बहुत खाना पीना तो बनता है, तो अगर आप राजस्थानी स्नैक्स के अंदर इंटरेस्टेड हो तो यहाँ से आप ले सकते हैं राजस्थानी प्याज की कचौड़ी और साइड बाय साइड राजस्थानी स्नैक्स, और अगर आप मीठा में चाहें तो यहाँ पे कुल्फी भी अवेलेबल है। राजस्थान के बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है त्रिपुरा। त्रिपुरा में ज्यादातर शो पीसेस ज्यादा हैं और यहाँ पे होम डेकोर का सामान है, तो अगर आप बैम्बूज में इंटरेस्टेड हों या ईस्टर्न इंडिया के होम डेकोर में इंटरेस्टेड हों तो आप यहाँ पे जरूर आइए, यहाँ पे आपको काफी अलग हटके सामान जरूर मिलेगा होम डेकोर। तो अब त्रिपुरा से मैं आपको लेके जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश की तरफ। तो एज एक्सपेक्टेड हिमाचल प्रदेश में आप पाएंगे यहाँ पे मिलने वाले जूसेस, जैम्स वगैरह वगैरह, और यहाँ पर जो जूसेस और जैम्स के रेट हैं दीज आर अप्रोक्सीमेटली 25 रुपीज़ और 50 रुपीज़। तो HPMC के आप यहाँ पे जूसेस ज़रूर ट्राई कीजिए, यहाँ पे चाय भी मिलती है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं जो यहाँ पे लोकल चाय है, और साइड बाय साइड अगर आप यहाँ का हनी भी लेना चाहें वो भी आप ले सकते हैं।
अपार्ट फ्रॉम दैट जो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो है यहाँ पे मिलने वाले वार्म क्लोथ्स, और अगर आप वार्म क्लोथ्स में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ से आप स्वेटर्स भी ले सकते हैं, जैकेट्स भी ले सकते हैं और यहाँ की हिमाचली कैप्स भी। क्या रेट क्या है इसका? 400 ये 250 की 250 की है सर। अच्छा, तो रेंज क्या रहती है इनकी? 200 से 200 से 400 तक। और ये जानकर खुशी हुई कि यहाँ पे नेशनल अवार्ड विनर्स के बनाए हुए आइटम्स भी आपको मिल सकते हैं, जैसे कि मछली कैप। क्योंकि नागालैंड का पेविलियन वॉकिंग स्ट्रीट पर ही है, इसलिए आप नागालैंड के जितने भी आइटम्स हैं उनको चलते फिरते ही रास्ते में देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बार और रिमाइंड करा दूं, ये जितने भी स्टेट पेविलियंस हैं ये हॉल नंबर 12 में हैं। तो अब मैं आपको ले आया हूँ मेरे फेवरेट स्टेट कर्नाटका में। कर्नाटका में आपको मैक्सिमम मिलती हैं इस तरह की पेंटिंग्स जो कि प्योर हैंड वर्क है, तो अगर आप इस तरह की पेंटिंग्स चाहें तो आप ये भी ले सकते हैं। और सेकेंडली यहाँ के जो एक फेमस आइटम है वो है लेदर के लैंप्स। इन लैंप्स की कीमत है तकरीबन 2 से 2500 रुपये, तो आप अगर चाहें तो इस तरह के लैंप्स या इस तरह की हैंड पेंटिंग्स भी आप ले सकते हैं जो लेदर पर बनाई गई हैं। तो ये वाले जो लैंप्स हैं 2500 के अप्रॉक्सीमेटली आपको मिल सकते हैं और आप थोड़ी बहुत इनमें बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कर्नाटका सिल्क साड़ीज भी आप यहाँ से आप ले सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आप मैसूर सैंडल सूप्स खरीदना चाहें तो वो भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं, दैट टू इन अ फैमिली पैक। तो अब मैं आपको ले आया हूँ गुजरात में। तो गुजरात जैसा कि आप जानते ही हैं इस फेमस फॉर इट्स आर्ट एंड कल्चर, और इस तरह के काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, चाहे गुजराती ड्रेसेस हो या गुजराती आर्टवर्क हो, यहाँ पर आपको इन सब में से किसी की भी कमी महसूस नहीं होगी। खास तौर पे गुजराती ड्रेसेस और कच्छ का आर्टवर्क यहाँ पर इस बार काफी ज्यादा हाईलाइटेड है। तो इसी तरीके से मुझे यहाँ पे कच्छ का भी काफी ज्यादा काम देखने को मिला, बट मैं यहाँ पर आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कुछ आइटम्स मुझे कुछ ज्यादा ही प्राइजी लगे, बट दैट इज एंटायरली ऑन यू। अगर आपको ये चीजें पसंद आती हैं तो प्राइस कुछ भी नहीं है सर, जरूर लीजिए, बट एट द सेम टाइम मेक श्योर इसकी क्वालिटी आपके लिए अप्रोप्रिएट जरूर हो। जैसे कि ये दुपट्टा, जो मुझे प्राइस बताया गया उसका था 3900, विच आई फील इज अ बिट प्राइसी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप यहाँ से गुजराती एक्सेसरीज खरीदना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा एम्पल अमाउंट में अवेलेबल है, बट अगेन मेक श्योर कि आपको यहाँ पे प्राइसेस ठीक मिल जाएं। तो नेक्स्ट स्टेट में हम आ पहुंचे हैं वो है पंजाब। इस बार पंजाब में जो सिर्फ एक ही मुझे स्टॉल ठीक लगा वो था वर्का का, और वो भी आप चाहें तो आप यहाँ से रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ का बेहतरीन फ्लेवर्ड मिल्क या इस तरह के और भी आइटम्स। अपार्ट फ्रॉम दैट पंजाब में बहुत ज्यादा देखने को नहीं है, तो मैं तो आपसे कहूंगा कि आप अपना टाइम सेव करें और आगे के स्टेट्स में प्रोसीड करें। तो अब हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में मिलने वाले इस तरह के ब्रास का सामान और इस तरह के डेकोरेटिव आइटम्स भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल सकते हैं। सो दिस इज अ हाईली रिकमेंडेड प्लेस आप अगर अपना कुछ होम डेकोर खरीदना चाहते हैं तो। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर कारपेट्स भी काफी अच्छे अवेलेबल थे, तो आप चाहें तो कारपेट भी ले सकते हैं, और यूपी में मिलने वाले कन्नौज के इत्र भी यहाँ पर अवेलेबल है, जिनका रेट तकरीबन 100 रुपये और 200 रुपये के आसपास पर बॉटल है, जो कि तकरीबन 10 ml की एक बॉटल है, तो आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। सो लेडीज आपके लिए एक और गुड न्यूज यहाँ पर यह है कि लखनवी चिकनकारी के सूट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आपको अगर इस तरह के सूट्स चाहिए तो भी आप यूपी के पेविलियन पे आ सकते हैं और इन सूट्स का फायदा उठा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप यहाँ से कुछ और भी चीजें खरीदना चाहते हैं तो वो है सहारनपुर का ये आर्ट वर्क। तो ये वाला जो आर्ट वर्क है काफी रीजनेबल कॉस्ट पर इनके पास अवेलेबल है, और आप चाहें तो इनसे बल्क बाइंग में थोड़ा और डिस्काउंट भी ले सकते हैं।
इस बार चंडीगढ़ को भी काफी कम स्पेस दिया गया है। इसी का रीजन है कि यहाँ पे काफी कम पेविलियन थे, बट उसमें से एक जो बेस्ट पेविलियन था वो था ये होम डेकोर का। चंडीगढ़ में होम डेकोर के साथ साथ जो एक और मुझे चीज अच्छी लगी वो थी यहाँ पे मिलने वाली सिर्फ 100 रुपीज की एलईडी लाइट्स। अब ये जो लाइट्स हैं ये फोन से भी काम कर सकती हैं और यूएसबी के थ्रू आपके लैपटॉप से भी काम कर सकती हैं। 100 रुपीज में ये लाइट्स नॉट अ बैड डील एट ऑल। नेक्स्ट स्टेट जो मैंने विजिट किया वो था आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश को भी बहुत कम जगह दी गई है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक विजिट करने के लायक जरूर है। यहाँ पर मिल रहे थे यहाँ के ट्रेडिशनल आइटम्स और यहाँ पे ट्रेडिशनल बेडशीट्स और यहाँ पे ट्रेडिशनल क्राफ्ट वर्क। इसके बाद जो नेक्स्ट पेविलियन मैंने विजिट किया वो था मणिपुर। मणिपुर में मिल रहे थे कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के आइटम्स जिसको मैं बहुत ज्यादा देख नहीं पाया, बट अगर आप आर्ट वर्क में यहाँ पे कुछ चाहते हैं तो यहाँ पे काफी अच्छा ईस्टर्न आर्ट वर्क आपको देखने को और खरीदने को मिल सकता है इनकेस यू आर इंटरेस्टेड इन टू इट। अपार्ट फ्रॉम दैट विंटर वियर भी यहाँ पे अवेलेबल था, तो आप अगर चाहें तो विंटर वियर के आइटम्स भी आप मणिपुर से खरीद सकते हैं, विच इज क्वाइट वार्म एज वेल। और इसके साथ साथ अगर आप कुछ डेकोरेशन के आइटम्स चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं, बट यहाँ पे ज्यादा प्रोमिनेंस है विंटर वियर की इस बार। तो इस बार ओडिशा को भी बहुत ज्यादा स्पेस नहीं दिया गया, इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा जो टिपिकल सामान आता है पत्थर का वो नहीं आ पाया। और यहाँ पर जो सामान था वो थे छोटे छोटे आर्ट पीसेस। तो ये अगर आर्ट पीसेस आप चाहें तो 100 से 200 रुपीस के बीच में अवेलेबल है, आप चाहें तो ले सकते हैं। ओडिशा के राइट अपोजिट तमिलनाडु को फिर भी काफी स्पेस दिया गया था, एंड दिस वाज द रीजन कि यहाँ पर काफी ज्यादा स्टॉल्स अवेलेबल थे। तो तमिलनाडु में आप जो खरीद सकते हैं वो है तमिलनाडु के ट्रेडिशनल आइटम्स, जैसे कि यहाँ का क्राफ्ट वर्क और पेंटिंग्स। और साइड बाय साइड जो तमिलनाडु में मिल रही थी वो मिल रही थी ये एलईडी लाइट्स जो की थी तकरीबन 100 रुपीज की। और आप अगर ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्टेड हो तो आप यहां से तमिलनाडु की साड़ीज भी ले सकते हैं, तमिलनाडु के मसाले ले सकते हैं और तमिलनाडु में मिलने वाला आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान भी आप ले सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स टू कीप इन योर माइंड व्हाइल यू आर विजिटिंग तमिलनाडु। और हाँ, आप अगर चाहें तो तमिलनाडु की ज्वेलरी भी ले सकते हैं। तो मैं आपको एक बार दोबारा रिमाइंड करा दूं कि ट्रेड फेयर की टिकट्स आपको मिलेंगी मेट्रो स्टेशन से, या फिर ऑनलाइन बुकिंग अगर आपको करनी है तो bookmyshow.com से भी आप ये टिकट्स ले सकते हैं। और यहाँ पर पहुँचने का सबसे कन्वीनियंट तरीका है दिल्ली मेट्रो द्वारा, जिससे आपको उतरना होगा प्रगति मैदान स्टेशन पर। और अगर आप अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं तो भैरव मार्ग में यानी कि गेट नंबर 1 के ठीक सामने आप अपनी पार्किंग कर सकते हैं और वहाँ से पैदल आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी भी आप लोगों को मिलती रहे। तो जल्दी मिलता हूं ट्रेवल फूड एंड शॉपिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू टेक केयर एंड बेस्ट विशेस।